वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में आपको थ्री मॉलिक्यूल दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO32- एंड CO2। पूछा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो देखो, पहले हम लोगों को इनका स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे फर्स्ट मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में दो एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो 4 इसके पास है, 6 इसके पास है, टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। यूजिंग दिस 10 इलेक्ट्रॉन मुझे इसका भी ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है और इसका भी ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड 6, 10। मुझे दो लोगों का ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है। तो देखो मैं कैसे करूँ, मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन के सिर्फ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। वो जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इसका था ना, वो मैं कार्बन को दे देता हूं। तब कार्बन के भी कितने हो गए? 5 हो गए। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर 10 थे। मॉलिक्यूल में मैं इधर उधर कर सकता हूं, मैं इसका इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता हूं, उसका इसको भी दे सकता हूं, ये अलाउड होता है। तो अब देखो इसके पास 5, इसके पास 5, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 ही है। पहले भी 10 था, 4+6, अभी भी क्या 5+5, 10 ही है। अब देखो इनका कंप्लीट हो सकता है कैसे? देखो मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, इसे भी ट्रिपल दे दिया। नाउ दिस ऑल्सो हैज 8, दिस ऑल्सो हैज 8, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कार्बन के 8 हो गए। ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो माय कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रक्चर ऐसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने का एक और तरीका है, कैसे? इस बार मैं क्या करूंगा, जिसके पास जितने हैं मैं उतना ही बनाऊंगा। कार्बन के पास 4 है, मैं कार्बन को 4 ही देता हूं। ऑक्सीजन के पास 6 है, मैं ऑक्सीजन को 6 ही दूंगा। अब मैं ऑक्सीजन का क्या बनाता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो मैं कार्बन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूं। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पर कार्बन के नहीं है, कार्बन के पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे कार्बन का पूरा करना है। देखो ऑक्सीजन सेकंड ग्रुप से बिलोंग, पीरियड से बिलोंग करता है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये लोग एक साथ सेकंड पीरियड में है। कार्बन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 4 कोवेलेंट, नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 3 कोवेलेंट, ऑक्सीजन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 2 कोवेलेंट। तो ऑक्सीजन ने तो बना रखा है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो लोन पेयर है मैं इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह बना देता हूं। मतलब दीज टू इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। सो अब देखो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों मैंने यहां बना दिया, ये वाले मैं यही बना रहा हूं। अब इसकी बारी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहीं छोड़ देना है, इस वाले को यहां प्लेस कर देना है और दोनों को कनेक्ट कर देना है। सो देखो फाइनली स्ट्रक्चर यही आया ना। तो आप इधर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट आएंगे CO2 में, CO32- बाद में बनाते हैं। व्हाट इज CO2? CO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन, और दो ऑक्सीजन आपने बनाए। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब सिंपल मॉलिक्यूल है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, दोनों के 8, तीनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 में क्या है? डबल बॉन्ड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो क्लियर हो जाता है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन डबल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा. सो दिस विल बी स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर. तो ये तो क्लियर है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज शॉर्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड. अब आते हैं CO3 2 माइनस. तो CO3 2 माइनस सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा. सो कार्बन तीन ऑक्सीजन में बना होगा. अब देखो दो माइनस है तो हम आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं. कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास फोर, इसके पास सिक्स, इसके पास सिक्स, इसके पास सिक्स. तो टोटल है मेरे पास अभी सिक्स 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 प्लस फोर ट्वेंटी टू, बट यहां पर टू माइनस है मतलब ट्वेंटी टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन. अब ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए 24. ठीक है, देखो मैं इसको 4 दूंगा, इसे मैं 6 दे देता हूं, इसे मैं 7 दूंगा, इसे भी मैं 7 दूंगा. देखो सिक्स सेवन सेवन फोर टोटल अगेन ट्वेंटी फोर, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर. अब देखो इसके पास सिक्स है, इसको डबल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है. इसके पास सेवन है, अब इसको सिर्फ एक बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है. इसके पास भी सेवन है, इसे भी सिर्फ एक बॉन्ड का रिक्वायरमेंट. देखो सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे. सो दिस इज माय CO3 2 माइनस. इसका एक और तरीका है बनाने का, क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. मैं क्या करूंगा, ये माइनस चार्ज है, दो माइनस है, मैं इसको माइनस कर देता हूं और इसको भी मैं माइनस चार्ज दे देता हूं. इसको मैं न्यूट्रल छोड़ता हूं ना. न्यूट्रल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? न्यूट्रल ऑक्सीजन मेक्स डबल बॉन्ड. O माइनस सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी O माइनस सिंगल बॉन्ड बनाएगा. तो स्ट्रक्चर तो यही आया ना, क्लियर. दिस इज और दिस इज दोनों सेम स्ट्रक्चर. आप इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे तो भी हो सकता है. अब बॉन्ड लेंथ देखना हम लोगों को. सो देखो यहां पर है क्या कि दिस इज मेकिंग सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज मेकिंग डबल बॉन्ड. उल्टा भी हो सकता या ऐसा देख लीजिए, इस इधर से करते हैं. ये मैंने क्या किया, इसको माइनस दिया, इसको माइनस दिया. मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें ये माइनस होगा और ये माइनस होगा. मतलब ये तीन ऑक्सीजन बनाए मैंने, मैंने अब माइनस इसको दिया और इसको दिया, मैंने इसको न्यूट्रल छोड़ दिया. तो अब ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड. ये क्या, सिंगल बॉन्ड. ये भी सिंगल बॉन्ड. अब देखो एक और स्ट्रक्चर बना सकता, कैसे, मैंने पहले इन दोनों को माइनस दिया, फिर इन दोनों को माइनस दिया, अब मैं इन दोनों को माइनस दूंगा. नाउ मैं इसको माइनस करता हूं, इसको माइनस करता हूं. अब देखो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड. सो मैं क्या देख रहा हूं, CO3 2 माइनस के तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर. एक बार ये डबल बॉन्ड था, फिर ये डबल बॉन्ड हुआ, फिर ये डबल बॉन्ड हुआ. ठीक है, तो अब मुझे पता करना है कि एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं. CO3 2 माइनस के तीन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी. अब देखते इसका बॉन्ड लेंथ, यहां पर सिंगल, यहां पर भी सिंगल, बट यहां पर डबल है. तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है. तो एक्चुअली ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सिंगल या डबल? So this is single in this, but double in this. So this bond is what? कैसे निकाले? यहां single bond तो वन, यहां single bond तो वन, यहां double bond इसी में, तो ये तीन स्ट्रक्चर है, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां डबल, बाय थ्री. क्यों, तीन स्ट्रक्चर थे. तो इसका आया फोर बाय थ्री.
दिस इज 1.33, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर. सो दिस इज सिंगल सिंगल डबल, सो एक्चुअली दिस इज 1.33 बॉन्ड, 1.33 बॉन्ड. तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.33 माना जाएगा. बाकी का भी देख लीजिए, डबल सिंगल सिंगल, तो क्या हो गया 2+1+1, 4, तीन स्ट्रक्चर बाय 3. तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.33 या 4/3. इसका भी सिंगल डबल सिंगल 1, 2, 1, 4/3. सो ऑल थ्री हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.33. इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल, ओनली वन स्ट्रक्चर पॉसिबल. सो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा. एक ही स्ट्रक्चर बना है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ओनली 1. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, इसका 1.3. सो अब देखो क्या होगा, हायर बॉन्ड ऑर्डर इज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ. देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ये शॉर्ट हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो ये सेकंड शॉर्ट है. बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33, सो दिस इज थर्ड मोस्ट. तो लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, सो सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये शॉर्टेस्ट होगा. देन कार्बन डाइऑक्साइड का, देन CO3 2- का. सो दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्स कर लेते.